गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मिशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करेंगे और इसमें एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। रोमन न्यूमरल्स, आप इसको रोमन नंबर्स भी कह सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स को क्या कह सकते हैं? रोमन नंबर्स भी कह सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स का यूज एंशियंट रोमन के लोग करते थे, एंशियंट रोमन करते थे। आजकल हम लोग रोमन नंबर का यूज करते हैं बिल्डिंग डेट्स को लिखने के लिए, और वॉचेज में करते हैं, क्लॉक्स में करते हैं। उसी तरह वो लोग क्या करते थे कि लेटर्स को, जो नंबर्स है उसको लेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। तो चलिए देखते हैं कि उस रोमन नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, वो लोग कैसे लिखते थे। वन को क्या लिखते थे लेटर्स में? वन को आई लिखते थे। फाइव को क्या लिख सकते थे? फाइव वी। और टेन को क्या लिखते थे? वो लोग डिनोट करते थे एक्स। टेन के बाद 50 को डिनोट करते थे एल से, 100 को डिनोट करते थे सी से, और 500 को डिनोट करते थे लोग डी से, और 1000 को डिनोट करते थे एन से। ये सारा हमारा चीज क्या है? ये सारा हमारा नंबर्स है। और इधर क्या है? इसी नंबर्स को सिंबल्स में लिखा गया। इसमें लिखा गया सिंबल्स में लिखा गया। तो हम लोग रोमन नंबर कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए तीन बेसिक रूल है, उस रूल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा रूल है? रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। और कौन कौन सा बेसिक रूल है? पहला रूल है रूल्स ऑफ रिपीटेशन, कि कोई भी अगर सिंबल रिपीट करता है तो क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद रूल्स ऑफ एडिशन, रोमन नंबर को कैसे ऐड करके लिखते हैं। उसके बाद तीसरा है रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग रूल्स ऑफ रिपीटेशन के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग फर्स्ट देखेंगे रूल्स ऑफ रिपीटेशन। रूल्स ऑफ रिपीटेशन, अब देखिए ये रूल्स ऑफ रिपीटेशन क्या है। अगर कोई भी सिंबल, सिंबल मैंने क्या क्या लिखा था? वन के लिए क्या लिखा था? आई, फाइव के लिए वी, और टेन के लिए एक्स, और फिफ्टी के लिए क्या लिखा था? एल, और हंड्रेड के लिए क्या? सी, और फाइव हंड्रेड के लिए क्या होगा? डी होगा, और 1000 के लिए एम। अगर कोई भी सिंबल रिपीट करता है तो वो मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकता है? तीन ही बार रिपीट कर सकता है, तीन से ज़्यादा बार नहीं रिपीट करेगा। और कोई भी अगर सिंबल रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए टेन, टेन अगर दो बार रिपीट किया तो उसका जो वैल्यू होगा टेन, वो भी दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर टेन तीन बार रिपीट किया, टेन का सिंबल अगर तीन बार रिपीट करता है तो इसका वैल्यू में थ्री से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था पहला पॉइंट कि अगर कोई भी सिंबल जितने बार रिपीट करेगा उसका वैल्यू में उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि हमारा कोई भी जो सिंबल होगा वो तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे वन के लिए क्या लिखते थे? आई लिखते थे। टू के लिए डबल आई लिखेंगे, थ्री के लिए तीन वाई लिखेंगे, और फोर के लिए हम चार आई नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी सिंबल तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता है। इसी तरह आप 100 के लिए देख लीजिए, 100 का क्या है? 100 का क्या है? सी है। 100 का क्या है? सी है, ठीक है। अगर सी दो बार रिपीट किया तो इस दो बार रिपीट किया तो 2 × 100 लिख सकते हैं। दो बार रिपीट किया, फिर तीन बार रिपीट कर सकता है, फिर 300 के लिए, और चार बार ये रिपीट नहीं करेगा, इसका वैल्यू 400 नहीं होगा। मतलब कोई भी सिंबल, दूसरा पॉइंट में क्या था कि कोई भी सिंबल मैक्सिमम थ्री टाइम्स ही रिपीट करेगा, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है रूल्स ऑफ रिपीटेशन में? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका कि वी, एल एंड डी। कौन कौन सा? वी, एल एंड डी, ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। नेवर रिपीटेड, कभी भी रिपीट नहीं करेगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं क्यों नहीं रिपीट करता है? जैसे 10 है तो 10 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 को 5 प्लस 5, तो 5 के लिए सिंबल क्या होता है? V।
और इस पाइप के लिए सिंबल क्या होता है, वी। तो वी और वी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी वी, एल और डी रिपीट हमारा नहीं करता है। टेन के लिए एक अलग सिंबल है, वो क्या है, एक्स। टेन के लिए एक अलग सिंबल है, वो क्या है, एक्स है हमारा, ठीक है। उसी तरह एल भी रिपीट नहीं करेगा। जैसे 100 है, तो 100 को हम ऐसा नहीं कि 50 प्लस 50 लिख दें, यहाँ 50 का एल हुआ प्लस एल डबल एल लिख दें, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी हमारा ये तीनों सिंबल रिपीट नहीं करेगा। तो ये था हमारा रूल्स ऑफ रिपीटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ एडिशन, कि हम लोग रोमन नंबर को कैसे ऐड करेंगे। सॉरी, मैंने ये सारा सिंबल मिटा दिया, आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद है हमको, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड देखेंगे रूल्स ऑफ एडिशन। अब देखिए, रोमन नंबर्स में एडिशन करने का क्या रूल है, आपको पता होगा, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। अगर कोई हायर वैल्यू है, कोई बड़ा वैल्यू है, जैसे 10, ठीक है, तो 10 में एक स्मॉलर वैल्यू को आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या, आप ऐड करने के लिए नॉर्मली नंबर्स को क्या करते हैं, 1+10 भी लिखते हैं और 10+1 भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है। लेकिन रोमन नंबर में जो सिंबल इसका यूज करेंगे एडिशन के लिए, क्या करेंगे, हमेशा एडिशन के लिए आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, हायर वैल्यू के कहाँ, राइट में, लेफ्ट में नहीं, राइट में। तो एडिशन का रूल क्या है कि अगर कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल आप लिखते हैं राइट में, तो उसका मतलब होता है एडिशन। जैसे 10 है, तो 10 का क्या होता है, एक्स। एक्स में 1 ऐड करने के लिए, मतलब 11 बनाने के लिए, इसके साथ इसके राइट में नहीं, कहाँ, सॉरी, राइट में लिखेंगे, लेफ्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, कहाँ लिखेंगे, राइट में। एडिशन के लिए स्मॉलर वैल्यू को कहाँ लिखा जाता है, राइट में लिखा जाता है। यही था रूल्स ऑफ एडिशन, कि हमेशा ऐड करने के लिए सिंबल को कहाँ लिखेंगे, कहाँ रखेंगे, राइट में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, राइट में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें भी 2-3 पॉइंट है, ठीक है। थर्ड है हमारा रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, एडिशन में आप कहाँ रखते थे, लेफ्ट में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको उसी सिंबल को कहाँ रखना पड़ेगा, स्मॉलर जो वैल्यू होगा उसको लेफ्ट में रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे 10 है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप तो ऐसे तो नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10-1=9 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन 1-10=9 नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, ये -9 हो जाएगा। अब रोमन नंबर में क्या सिस्टम है, कि आपका ये मान लें एक्स 10 है, ठीक है, और 1 का वैल्यू क्या है, आई है, हमको ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको कितना बनाना है, 9 बनाना है। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना, 9। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको लेफ्ट में ही उस स्मॉलर वैल्यू को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉलर वैल्यू क्या है, आई एक्स, इसका मतलब हो गया 9। जैसे मान लीजिए कि 90 है, तो 90 हम कैसे लिख सकते हैं, 100-10। 90 कैसे लिख सकते हैं, 100-10, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 का वैल्यू क्या होता था, सी। अब सी में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10 का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स और सी हो जाएगा। ये था पहला पॉइंट रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन का। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन का। अब रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन में सेकेंड पॉइंट है कि वी, एल एंड डी, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको, रूल्स ऑफ रिपीटेशन में ये तीनों कभी भी रिपीट नहीं करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये तीनों वैल्यू कभी भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड, कोई भी नंबर से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे 10 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करें, क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। लेकिन आप रोमन नंबर सिस्टम में क्या सिस्टम है कि 10 का वैल्यू x होता है, x में से v सब्ट्रैक्ट करके आप इसको vx नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल क्या है, हमारा गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100 है, 100 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आएगा, 95। अब जब रोमन नंबर सिस्टम में इसको लिखें तो 100 का वैल्यू होता है सी, सी में से कितना आप सब्ट्रैक्ट करें, 5, 5 का वैल्यू क्या होता है, वी होता है, ठीक है।
तो इसको आप वीसी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इसमें आप एडिशन रूल लगाएंगे, 90 प्लस 5 लिखेंगे, 90 का वैल्यू होता है एक्स सी और 5 का वैल्यू होता है वी, तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स सी वी। लेकिन आप ये तीनों को क्या नहीं कर सकते हैं, कभी भी कोई भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन का। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आई एक्स और सी यही तीनों का यूज होता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। जैसे जैसे 9 है तो 9 आप कैसे लिखते हैं, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो 10 का वैल्यू क्या है एक्स, 1 का वैल्यू कितना है आई है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि आप उस सिंबल को किधर लगाते हैं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्शन के लिए लेफ्ट लगाते हैं। तो 10 में से हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो कहाँ लगाएंगे आई। तो देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आई का यूज हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और एग्जांपल से कि अगर आप 90 लिखना है, क्या लिखना है 90, तो 100 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से, तो 100 का वैल्यू होता है सी, कितना वैल्यू होता है सी। अब सी में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 10 को पहले लिखना है सब्ट्रैक्शन में, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको क्या करते हैं लेफ्ट में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अच्छा 40 के बारे में देख लेते हैं। तो 40 कैसे लिखेंगे, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। अब देखिए 50 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है एल होता है, एल में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 10 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एक सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए किधर लगाते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में वैल्यू लिखते हैं, तो एल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किधर लिखेंगे लेफ्ट में लिखेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका और होता है जैसे 400 आपको लिखना, तो 400 कैसे लिखेंगे, 500 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो 500 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है डी होता है, और 100 का कितना होता है सी होता है। आप इसको लिखें तो डी में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है आपको 100, तो उसको किस तरफ लिखेंगे आप, लेफ्ट या राइट, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं लेफ्ट, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा सी डी। अगर आप 900 के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, 1000 माइनस 100। अब 900 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही बात, 1000 का वैल्यू होता है एम और 100 का वैल्यू होता है सी, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब किधर लिखना है लेफ्ट में, तो एम से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 को, मतलब 1000 से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 आया, मतलब 900 का वैल्यू क्या हो गया सीएम हो गया। मतलब यही सब कॉमन चीज है जिसको आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, आई एक्स सी, यही तीनों सिंबल को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर रूल्स यही है, ठीक है, रूल्स ऑफ रिपीटेशन, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड रूल्स ऑफ एडिशन, इसी का यूज करके हम लोग रोमन नंबर्स लिखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई लार्जर नंबर आ गया हमारे पास तो उसको रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, या कोई लार्जर रोमन नंबर है तो उसको इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हमारा एक वैल्यू हम ले लें 1548। अब इसको हमको रोमन नंबर सिस्टम में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें, तो कैसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 8। अब देखिए 1000 का वैल्यू मैंने बताया है आपको, मतलब सिंबल बताया कि क्या होता है, 1000 का सिंबल होता है एम, 500 का क्या सिंबल होता है, 500 का सिंबल होता है डी, 40 का क्या सिंबल होता है, 40 का होता है आप किसमें से घटाते हैं, 40 का मतलब क्या 50 माइनस 10, विच मीन्स एल से किसको सब्ट्रैक्ट करना है एक्स को, एक्सएल हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा 5 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा एडिशन है, तो जो भी वैल्यू लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा लेफ्ट टू राइट, मतलब एम डी एक्स एल वी आई आई आई, यही जो वैल्यू हो गया वो किसका हो गया 1548 का हो गया। अगर कुछ इस तरह से आपको रहे एम एम सी सी एक्स एक्स आई आई, ठीक है, तो इसका वैल्यू आप नंबर्स में कैसे लिखेंगे, तो देखिए एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब 1000। अब रिपीटेशन बताया था मैंने कि अगर एम जितना वो रिपीट करे उसका वैल्यू में उतना से मल्टीप्लाई हो जाता है, एम का मतलब हो गया 1000
अब थाउजेंड मतलब एम दो बार रिपीट कर रहा है, तो इसके वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई करें, टू से, तो कितना हो जाएगा 2000 प्लस सी मतलब 100 कितना बार रिपीट कर रहा है, दो बार, तो 100 इंटू टू, फिर प्लस 10 कितना बार रिपीट कर रहा है, दो बार, तो इसका वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 कितना बार रिपीट कर रहा है, दो बार, तो 1 इंटू टू, मतलब टोटल वैल्यू देखा जाए तो 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा 2222। ये किसका, रोमन से हम लोग किस में लिख लिए, नंबर्स में लिख लिए। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा तो कैसे लिख सकते हैं। तो एक बड़ा वैल्यू लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 2798 लेते हैं। अब इसका वैल्यू हम लोग रोमन नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू आपको रोमन नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना। तो क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 8। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम लिख लिए, ठीक है। अब 2000 का वैल्यू क्या होगा, 1000 का वैल्यू क्या होता है, m, तो m दो बार रिपीट करेगा यहाँ पे, मतलब एक बार मतलब m का वैल्यू हुआ 1000, ठीक है। तो 2000 लाने के लिए इसको दो बार रिपीट करवाना पड़ेगा, तो इसको कितना लिखेंगे, दो बार m लिखेंगे, ठीक है। 500 का मतलब होता है d, इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, d से, तो इसके लिए d लिखेंगे। 90 के लिए क्या, 90 का मतलब क्या, 100 माइनस 10, तो 100 मतलब c, और 10 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग किधर लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, तो x c हो गया 90 का। 8 का क्या होगा, 8 को कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 3 8, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा v, और 3 के लिए 3i, ठीक है। तो 8 के लिए क्या लिख सकते हैं, vii। अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं टोटली इसको, m m d x c v i i i, ये हो गया हमारा रोमन नंबर 2798 के लिए। तो इसी तरह आप रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। एडिशन के लिए क्या करेंगे, आप उसको राइट में लिखेंगे स्मॉलर वैल्यू को, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ये नंबर सिस्टम यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो स्क्रीन पर शो हो रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको सारे प्रॉब्लम का हल वहाँ पर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।